छोटे पर्दे पर राजीव की फैन फॉलोइंग इतनी है कि क्या कहें, और बड़े पर्दे पर भी राजीव के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इन्होंने अपनी फिल्म आमिर से खुद को बेहतरीन एक्टर की दौड़ में शामिल कर लिया था। आज राजीव नजर आए अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म सम्राट एंड को के ट्रेलर लॉन्च पर। यहां पर राजीव ने अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि ऑडियंस इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेगी। जी, मैंने जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस तरह की स्क्रिप्ट कभी नहीं सुनी, कोई मेरे पास लेकर नहीं आया, मैंने पर्दे पर भी नहीं देखी, और एक डर का एहसास हुआ कि यार क्या मैं ये कर सकता हूँ और मेरे पास क्यों आया। बिकॉज मुझे मालूम है लोग मेरे पास बहुत हार्डकोर परफॉर्मेंस वाली फिल्म लेकर आते हैं, बट ये फिल्म में बहुत कमाल का अमालगमेशन था, मिक्सचर था कमर्शियल सिनेमा और एक इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट का। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था जो बहुत कम मौका मिलता है। सो आई थिंक इसलिए मैंने उसको हाँ कर दिया तुरंत, एंड हमारी मेहनत सामने है। लेट्स होप कि ऑडियंस उसे उतना एंजॉय करे जितना हमने शूटिंग के दौरान उसे एंजॉय किया था। मैंने जब पहली अपनी फिल्म की थी आमिर, तब लोगों ने कहा था कि इस तरह फिल्म का दौर नहीं है। मज़ा तो इसी का है ना, जब दौर नहीं हो और अब उसमें कोई फिल्म बनाए जिसे लोग पसंद करें। अभी हाल ही में फिल्म क्वीन फिल्म रिलीज़ हुई थी, लोग कहते हैं कि उसका दौर नहीं था, लेकिन वो फिल्म एक नाम बना जाती है। शैतान जब आई तो लोगों ने कहा इस तरह का दौर नहीं है। टेबल नंबर 21 इसका दौर नहीं है। कौन कहता है दौर नहीं है? दौर आप लेकर आते हैं, और दौर शुरू करने में जो एक अचीवमेंट का सेंस है वो शायद अनपैरेलल्ड है। मुझे ऐसा मेरा मानना है कि स्टार्टिंग जैसे फिल्म देखना शुरू करेंगे, पहले 10 मिनट के अंदर आप फिल्म के अंदर घुस जाएंगे और आप इसको छोड़ नहीं सकते। पॉपकॉर्न ब्रेक नहीं होगा इसके अंदर, कोई लू ब्रेक नहीं होगा। उसका कारण ये कि ये सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही है, ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जहाँ पर आप डायरेक्शन देखेंगे, जहाँ डायलॉग संजय मासूम ने इतने खूबसूरत लिखे हैं, उन्हें कहने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं आप जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है। जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ इस बात का कि जब राजश्री ने अपना ट्रेंड बदलने की सोचा तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया। क्योंकि अगर ट्रेंड बदलना चाह रहे हो और आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन साथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्योंकि जब आपने कुछ डिफरेंट करने की सोची तो आपको इनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसे इस एक कदम से उनको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिले और कुछ पैसा भी बनाए। ये फिल्म 25 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। काफी दिनों बाद बड़े पर्दे पर राजीव क्या नया करते हैं और क्या ये फिल्म उनके करियर को और पुश करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।